राजस्थान पैरा टीचर शिक्षा कर्मी व मदरसा पैरा टीचर संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष कुमाराम चौधरी की अध्यक्षता में बालोतरा में आयोजित की गई बैठक। इस बैठक में तीनों संगठनों को संयुक्त किया गया व निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018 में चुनावी घोषणा में सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में नियुक्त पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर्स को हमारी सरकार बनते ही नियमित करने का वादा किया था, जो वर्तमान सरकार को बने करीब 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर हमारे मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। वह उदयपुर संभाग में प्रवेश करने के बाद सरकार ने हमें लिखित में समझौता किया था। 30 सितंबर 2021 तक राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित कर दिया जाएगा। इस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। अब हम तीनों संगठन मिलकर एक ही आवाज में एक ही लेटर पेड पर एक ही मांग केवल स्थायीकरण के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तीनों संगठनों के आह्वान पर 2 अक्टूबर 2021 को पुनः दांडी यात्रा उदयपुर संभाग से शुरू की जाएगी। इस पर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा ऐलान किया गया कि सरकार समय रहते 30 सितंबर तक हमें नियमित करे, अन्यथा हमें मजबूर होकर 2 अक्टूबर 2021 को दांडी यात्रा पूर्ण चालू की जाएगी। दांडी यात्रा मदरसा पैरा टीचर संघ के प्रदेश अध्यक्ष आजम खान पठान के नेतृत्व में शमशेर खान भानु के द्वारा उदयपुर संभाग से शुरू की जाएगी। इसमें हमारे जान माल की हानि एवं घटना दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। इस बैठक में मदरसा पैरा टीचर के पदाधिकारी आजम खान पठा शमशेर खान एवं अखिल राजस्थान पैरा टीचर शिक्षा कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी मुख्य संरक्षक ईश्वर सिंह जागसा महामंत्री हनुमान सिंह पाटोदी उपाध्यक्ष सत्यनारायण व्यास कोषाध्यक्ष हनुमान सिंह लोनी सचिव बुद्धाराम डिग्लोर महामंत्री कमला चौधरी संगठन मंत्री दुर्गा वैष्णव उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा धनाराम सेन गौतमलाल मीणा उदयपुर ए प्रदेश के समस्त कर्मठ कार्यकर्ता की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया। यह सूचना मीडिया प्रभारी गौतमलाल मीणा सलूम्बर के द्वारा दी गई। अखिल राजस्थान पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक दिनांक 20/9/2021 को बालोतरा जिला बाड़मेर में रखी गई। इस बैठक में प्रदेश के समस्त पदाधिकारी गण मदरसा पैरा टीचर के आजम खान पठान अध्यक्ष महोदय जी पैरा टीचर के अध्यक्ष महोदय जी खमाराम जी मीणा चौधरी साहब एवं तमाम पदाधिकारियों के साथ में बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 अक्टूबर को पैदल कूच उदयपुर संभाग से की जाएगी। इसमें 30 सितंबर का सरकार से हमारे लिखित में जो आश्वासन दिया गया है, सरकार हमें 30 सितंबर तक अस्थायी करने का ऐलान करती है तो ठीक, नहीं तो 2 अक्टूबर को पैदल कूच करने की योजना बिल्कुल तय हो चुकी है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में तीनों घटक एक होकर के संघर्ष करेंगे सरकार से, और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि समय रहते हम राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में 1999 से लगे हुए हैं, सरकार हमारा आए दिन समय रहते हुए मानने की बढ़ोतरी करती है, बल्कि कभी हमारे को अस्थायी करने का नाम ही नहीं लेती है। वर्ष 2018 में जब चुनावी वायदे के अंदर हमारे घोषणा पत्र में बेकायदा सरकार ने वायदा किया कि आपको अस्थायी कर दिया जाएगा, हमारी सरकार सत्ता में आते ही आपको अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल बीतने आए हमारे लिए कोई भी सरकार ने सकारात्मक दबाव और निर्णय नहीं लिया है। अतः मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ये शोषित वर्ग पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर जो मानदेय के रूप में काम कर रहे हैं, इनके घर का पालन पोषण बाल बच्चों की पढ़ाई एवं खुद के खर्चे में काफ़ी परेशानी आ रही है, और मैं तो मेरी ओर से प्रदेश की जो सरकार है राजस्थान सरकार कांग्रेस उससे मेरा विनती है कि आप हमारा अब शोषण बंद करें और हमें अस्थायी करें और तृतीय वेतन श्रृंखला से जुड़े, और हम जहां विद्यालय में काम कार्यरत हैं वहां थर्ड ग्रेड टीचर के समान हम कार्य कर रहे हैं, और हमें बड़ा लंबा अनुभव है। जब 2018 में प्रबोधक भर्ती निकली थी उस समय हमारे क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसके बाद में सरकार 17-18 में भारत सरकार के द्वारा DLED की जो कार्यरत टीचर हैं उनको ट्रेन किया गया, उसके द्वारा
अब हम क्वालिफिकेशन है, हमारे पास डिग्री है, फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है और सरकार हमें असाई नहीं कर रही है। मेरा विशेष करके निवेदन है मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि हमें असाई करें। हम आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, सदा आपके आभारी और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।